iPhone 15 Plus कितना बेटर है iPhone 14 Plus से? Let's find out in this video. जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है, iPhone 15 सीरीज में iPhone 15 की जो नॉन प्रो सीरीज है यानी कि 15 एंड 15 Plus, उसमें आपको ज्यादा अपग्रेड्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू प्रो सीरीज। और अगर बात करूं iPhone 15 Plus की, तो हाँ, दिखने में iPhone 14 Plus, 15 Plus दोनों सेम दिख रहे होंगे, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप इन दोनों फोन में से कोई एक फोन खरीदने का सोच रहे हो या फिर 14 Plus से 15 Plus में अपग्रेड करने का सोच रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम माइनर से माइनर डिटेल्स कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करें इनकी प्राइजेस की, तो 14 प्लस जिस प्राइस में लॉन्च हुआ था, ये भी सेम उसी प्राइस पे लॉन्च हुआ है, यानी कि 90,000 रुपीज। दोनों के करंट प्राइस की बात करूं, तो HDFC के डिस्काउंट लगाने के बाद iPhone 15 प्लस आपको मिल जाएगा अराउंड 84-85,000 में। वही अगर 14 प्लस की बात करूं, फिलहाल क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो ये आपको 60-65,000 अभी भी मिल जाएगा। फिर भी देखा जाए तो दोनों की प्राइस में 20-25,000 रुपए का डिफरेंस है। तो शुरुआत करते हैं इनके डिजाइन से। यहाँ पे जो आपको ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज मिल रही है, ये बिल्कुल सेम है। अगर दोनों फोन को दूर से देखते हो, दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं। iPhone 14 Plus में आपको पीछे की तरफ पे ग्लॉसी ग्लास मिलता है, ऑल्सो मैट टेक्सचर वाला कैमरा मॉड्यूल मिलता है, जिसमें दो लेंसेस मिलते हैं डायगोनल। 14 Plus के जितने भी कलर्स हैं, इन सारे ही कलर्स में इस सेम कलर का कैमरा मॉड्यूल मिलता है। वहीं iPhone 15 सीरीज में आपको ये ड्यूअल टोन टाइप का कलर मिलता है। ये मेरे पास जो कलर है, ग्रीन कलर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा लाइट ग्रीन इधर मिलता है एंड हल्का सा डार्क ग्रीन आपको इसके कैमरा मॉड्यूल में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्लॉसी ग्लास मिलता है और यहाँ पे आपको प्रो वेरिएंट्स वाला मैट टेक्सचर मिलता है, जो कि सच में बहुत ज्यादा प्रीमियम फील देता है। भले यहाँ पे आपको टेक्सचर मिल रहा है, यहाँ पे ग्लॉसी है, लेकिन फिर भी अगर स्लिपरी की बात करूं, तो दोनों लगभग सेम ही है, बिकॉज ऑफ इन दोनों में आपको एल्यूमिनियम एडजस्ट मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं मिल रहा है, 7000 सीरीज का एल्यूमिनियम आपको दोनों में ही मिलता है, लेकिन इनकी एडजस्ट में भी एक चेंज किया गया है। 14 प्लस में मिलती है आपको प्रॉपर फ्लैट एडजस्ट, जिसमें जो उसके कॉर्नर है, ये आपको एकदम शार्प कॉर्नर मिलते हैं। वही अगर 15 प्लस की बात करूं, तो यहाँ पे भी आपको फ्लैट एडजस्ट मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको हल्की सी राउंडेड एडजस्ट मिलती है, जो कि इन हैंड फील में बहुत ज्यादा डिफरेंस ले आती है। दोनों ही फोन को साइड बाय साइड पकड़ते हो, बिल्कुल डिफरेंट फील होते हैं ये। हालांकि ये वाला डिफरेंस आपको छोटे फोन्स में ज्यादा समझ में आएगा, बिकॉज ये दोनों फोन्स बहुत बड़े हैं, तो यहाँ पे आपको इतना बड़ा फर्क नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाइडर ग्रिप हो जाती है इनकी। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बोलूंगा 15 प्लस का जो इनहैंड फील है, ये ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू iPhone 14 प्लस। दोनों में ये अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है, हाँ 15 प्लस में एक्शन बटन नहीं है, 14 प्लस में लाइटनिंग पोर्ट, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों फोन्स एग्जैक्टली सेम है। अब नेक्स्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इनके फ्रंट में, यहाँ पे मिलता है नॉच, 15 मिल जाता है डायनामिक आइलैंड, जो कि आपके एक्सपीरियंस को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। तो अगर आप iPhone 14 प्लस पहले यूज करते थे और 15 प्लस को हाथ में उठाते हो, आपको काफी मेजर चेंजेस नोटिस होंगे। दोनों फोन डायमेंशन वाइज लगभग सेम ही है और वेट में यहाँ पे सिर्फ 2 ही ग्राम का डिफरेंस है, 15 प्लस 2 ग्राम ज्यादा हल्का है। लेकिन आई मस्ट से इसकी जो स्लाइट राउंडेड एजेस है, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हल्का फील होता है, अगर दोनों को साइड बाय साइड पकड़ते हो तो। बाकी दोनों IP68 वाटर रेसिस्टेंट मिल जाते हैं, दोनों के इंडियन वेरियंट में एक ई सिम एक फिजिकल सिम का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। दोनों में आपको 6.7 इंचेस का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है, जो कि OLED डिस्प्ले है, HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, Dolby Vision का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इनकी रिफ्रेश रेट में कोई भी चेंज नहीं मिल रहा है। पहले भी 60 हर्ट्ज मिलता था, अभी भी 60 हर्ट्ज ही मिलता है, जो कि भाई सच में बहुत डिसअपॉइंट कर देने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे एप्पल ने काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी दी है नॉन प्रो सीरीज में, बिकॉज एप्पल ऐसा करता नहीं है, जैसे कि डायनामिक आइलैंड। इस डायनामिक आइलैंड के कारण आपको एकदम प्रो सीरीज वाला फील आएगा, आप फोन यूज करोगे ऐसा लगेगा भाई 15 प्रो मैक्स यूज कर रहे हो, जब तक पीछे पलटा के नहीं देखोगे। डेफिनेटली वो 60 हर्ट्ज आपको आंखों में दिक्कत कर सकते हैं, अगर आपने पहले 120 हर्ट्ज वाला फोन चलाया है तो, और अगर नहीं भी चलाया है और डायरेक्ट इन दोनों में से किसी भी फोन की तरफ जाते हो, तो वो 60 हर्ट्ज आपको आंखों में दिखेंगे एक्चुअल में, बिकॉज भाई क्योंकि डिस्प्ले बहुत बड़ा है 6.7 इंचेस का, वहां पे जब आप आइकन स्क्रॉल करते हो तब डेफिनेटली वो 60 हर्ट्ज आंखों में खलता है। तो ये मेरी एप्पल से बहुत बड़ी कंप्लेन है 15 प्लस के लिए, 15 में तो फिर भी चल जाता है। इसके अलावा एक और इंप्रूवमेंट आपको मिल जाता है इनकी ब्राइटनेस में, 14 प्लस में 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आपको 1000 निट्स की नॉर्मल, 1600 निट्स की HDR और 2000 निट्स की मैसिव पीक ब्राइटनेस मिलती है, यानी कि इस फोन को आउटडोर में यूज करोगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करने वाला है, ये कड़ी धूप में भी इस फोन को आराम से यूज कर सकते हो। तो ये दो इंप्रूवमेंट्स आपको मिल जाते हैं, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों के डिस्प्लेज में। अब दोनों के OS की बात करूं, तो दोनों में iOS 17 का सपोर्ट मिल जाता है, और दोनों को लॉन्ग टर्म के लिए कंपेयर करोगे 5-6 सालों के लिए, तो डेफिनेटली 15 प्लस एक साल ज्यादा अपडेट्स प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू 14 प्लस। दोनों के चिपसेट की बात करूं, तो iPhone 14 प्लस में आपको मिलता है
है A15 बायोनिक चिप, iPhone 15 प्लस में आपको मिलता है A16 बायोनिक चिप जो कि लास्ट ईयर iPhone 14 प्रो सीरीज में मिलता था, A15 5 नैनोमीटर की चिप है, A16 4nm का चिपसेट है। लास्ट ईयर iPhone 13 से जब 14 में अपग्रेड हुआ था तो वहां पे चिपसेट को अपग्रेड नहीं किया गया था, लेकिन इस साल आपको अपग्रेड मिल रहा है। लेकिन लास्ट ईयर में जो 14 प्रो सीरीज में चिपसेट यूज किया गया था वो चिपसेट आपको यहां पे मिल रहा है। लेकिन ऑनेस्टली यहां पे मैं बताऊं तो यहां पे आपको कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। गीकबेंच की बात करूं तो सिंगल कोर में आपको करीब 200 से 300 पॉइंट्स का और मल्टी कोर में करीब 500 से 700 पॉइंट्स के आसपास का डिफरेंस मिलेगा और जीपीयू टेस्ट में करीब 3000 पॉइंट्स का डिफरेंस आया। मैंने एक चीज नोटिस करी है, एप्पल के जितने भी लेटेस्ट चिपसेट हैं इनमें अगर डिफरेंसेस की बात करूं, परफॉर्मेंस की डिफरेंसेस की बात करूं, तो आपको लगभग ना के बराबर ही मिलता है। गीकबेंच टेस्ट के बाद हमने टेस्ट किया था इन दोनों का आई मूवी यानी कि दोनों की वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करा, तो यहां पे हमको डिफरेंस बिल्कुल ना के बराबर दिखा। और ऐसा सिर्फ इन दोनों फोन्स के साथ नहीं है, हमने इस पूरी 14, 13, 15 सीरीज को पूरा टेस्ट किया हुआ है एंड डिफरेंस बिल्कुल ना के बराबर ही आया है। तो यहां पे मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं चिपसेट के अपग्रेड के साथ आपको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन का फर्क मिल जाता है, लेकिन एज सच परफॉर्मेंस में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं मिलेगा। और अगर आप बात करें इनके गेमिंग एक्सपीरियंस की तो वो मुझे एज इट इज एकदम सेम लगा जैसा iPhone 14 प्लस में था, सेम टू सेम गेमिंग iPhone 15 प्लस में भी कर सकते हो आप, कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं फील हुआ मुझे। सेम वही 60Hz रिफ्रेश रेट मिल जाता है, दोनों में कंसिस्टेंट गेमिंग कर सकते हो और मुझे कोई भी ऐसा बड़ा अपग्रेड नहीं दिखा। अब एप्पल ने 14 प्लस को जानबूझ के थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया हो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में, तो ये एक अलग बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हमने जो टेस्ट करा हमको कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं समझ में आया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरा जो 14 प्लस है इसको हम यूज नहीं करते हैं, ये मतलब पड़ा रहता है फोन और जब भी हमको इसकी टेस्टिंग करनी होती है तब हम निकालते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि दोनों एज वेल एज न्यू है और हाँ iOS 17 में अपडेट किया हुआ है दोनों ही फोन्स को। तो यहाँ पे गेमिंग के मामले में कोई भी डिफरेंस नहीं था, दोनों में ही बहुत ही अमेजिंग गेमिंग कर सकते हो। सिर्फ दोनों की गेमिंग में एक ही माइनस पॉइंट है कि 90Hz वाला ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है, बाकी ये 60Hz की कंसिस्टेंट गेमिंग प्रोवाइड करते हैं दोनों ही। इसके अलावा iPhone 15 प्लस में आपको U2 चिपसेट मिलता है जो कि थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट है लोकेशन ट्रैकिंग के मामले में, और सो बाय चांस फोन गुम हो जाता है तो इसके मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। चलो बात करते हैं इनकी बैटरीज की। iPhone 14 प्लस में मिलती है 4323 mAh और iPhone 15 प्लस में मिलती है 4383 mAh, तो यहाँ पे 50-60 mAh ज्यादा मिल रही है iPhone 15 प्लस में। और अगर यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करूं तो कोई भी डिफरेंस नहीं फील हुआ मुझे, दोनों ही फोन्स लगभग सेम ही बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे बैटरीज के मामले में कोई भी ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूं 14 प्लस का बैटरी बैकअप भी बहुत अमेजिंग है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कम बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करेंगे, ये आपको अराउंड 6 से 7 घंटे का हैवी गेमिंग का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर सकता है, और अगर नॉर्मल यूज करते हो तो ये 1.5 दिन तक आराम से चलेगा, आपको इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम चीज iPhone 15 प्लस के साथ भी है, तो डेफिनेटली बैटरीज के मामले में दोनों लगभग सेम ही हो जाते हैं। चलो करते हैं दोनों का साउंड टेस्ट। ये है iPhone 14 प्लस का साउंड। और ये है iPhone 15 प्लस का साउंड। अब यहाँ पे मैं बता दूं दोनों का साउंड बहुत अमेजिंग है। 14 प्लस का साउंड मुझे थोड़ा सा ज्यादा फील हुआ एज कम्पेयर टू 15 प्लस, लेकिन वही 15 प्लस का साउंड मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेसियर फील हुआ। मेरी ओपिनियन में 15 प्लस का साउंड थोड़ा सा और रिच करने की कोशिश करी गई है, उसका बेस थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करी गई है, जिसकी वजह से हल्का सा बिल्कुल माइनर सा दबा हुआ फील होता है एज कम्पेयर टू आईफोन 14 प्लस। 14 प्लस का साउंड थोड़ा सा ज्यादा खुला हुआ फील होता है। अब बात करते हैं इनके कैमरास की। 14 प्लस में मिलते हैं 12 MP के दो लेंसेज, यहाँ पे मिलता है 48 MP का प्राइमरी और 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। दोनों के फ्रंट में भी आपको 12 MP के लेंसेज मिलते हैं जो कि एग्जैक्टली सेम है। बैक कैमरास में जो 48 MP का लेंस मिलता है 15 प्लस में, इसकी वजह से आपको एक एडिशनल लेंस मिल जाता है 2x वाला जो कि 14 प्लस में मिसिंग है। ऑल्सो 15 प्लस की फोटोज से आप 24 MP की फोटोज क्लिक कर सकते हो, ऑल्सो 48 MP की भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो 14 प्लस 12 MP की क्लिक करता है वो आप 24 and 48 MP की कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको डिटेल्स ज्यादा मिलती है। ऑल्सो मैं दोनों में बता दूं कि HDR जो है वो आपको ज्यादा बेटर मिलेगा iPhone 15 प्लस में एज कम्पेयर टू iPhone 14 प्लस। यहाँ पे आप छोटी छोटी डिटेल्स देख सकते हो, हालांकि ये डिटेल्स आप सिर्फ जूम करके ही देख सकते हो, अगर आप जूम आउट करके देखते हो तो आपको यहाँ पे इतना कोई खास डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा काम की चीज हो जाती है। और ना सिर्फ ऑप्टिकल जूम, यहाँ पे आप डिजिटल जूम भी 10x तक कर सकते हो, क्योंकि iPhone 14 में आप 5x तक कर सकते थे। इसके वीडियोस में भी आप 2x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो, जो कि भाई बहुत नेक्स्ट लेवल की एकदम वीडियोस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर दोनों की क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली iPhone 15 में जो स्किन टोन
टोन्स हैं वो आपको बहुत ही ओरिजिनल मिल रही है, मतलब बहुत ज्यादा नेचुरल मिल रही है। अब उसके फ्रंट कैमरा से मैंने कुछ क्लिक्स करी, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऊपर स्काई है आईफोन 14 ने पूरा वाइट कर दिया है, लेकिन आईफोन 15 ने बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया है स्काई की डिटेल्स को भी। ऑल्सो आप स्किन टोन भी देख सकते हो, आईफोन 14 में थोड़ी सी पिंकिश स्किन टोन लग रही है, लेकिन वहीं आईफोन 15 ने भाई बहुत अच्छे तरीके से उसको कैप्चर किया है। तो डेफिनेटली भाई कलर एक्यूरेसी, स्किन टोन, डायनामिक रेंज जो वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करता है आईफोन 15। नॉर्मल फोटोज की भी बात करूं तो वहां पे भी आपको कलर एक्यूरेसी का हल्का सा फर्क मिलेगा। दोनों के सिनेमैटिक मोड की बात करूं तो सिनेमैटिक मोड में आपको कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं मिल रहा है, दोनों के दोनों सेम है और दोनों ही बेकार परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि इनकी जो एज डिटेक्शन है वो इतना कुछ खास नहीं है। हाँ, बाकी नॉर्मल वीडियोस की बात करूं तो वहां पे डेफिनेटली आईफोन 15 बीट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस फोन को चारों तरफ घुमा के एकदम दिखाया है और क्या ही डायनामिक रेंज को कैप्चर कर रहा है, क्या ही स्किन टोन्स, क्या ही डिटेल्स ऑफर कर रहा है आईफोन 15। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा डिफरेंस मिल रहा है आपको आईफोन 14 के कंपैरिजन में आईफोन 15। इन शॉर्ट बताऊं तो 48 मेगापिक्सल की वजह से जो 2x वाला लेंस मिल जाता है एडिशनल, वो बेनिफिट है। इसके अलावा एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि आप नॉर्मल फोटोज को भी पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो बाद में भी। तो मेनली ये दो डिफरेंसेस मिलते हैं, इनके अलावा कोई भी ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इस टाइप सी पोर्ट के बारे में। देखो, इसमें आपको टाइप सी पोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो एज इट इज एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एक एडवांटेजेस मिल जाते हैं टाइप सी होने की वजह से। आप टाइप सी टू लाइटनिंग केबल यूज करके इस फोन की चार्जिंग को इस फोन में ले सकते हो, ऑल्सो किसी एंड्रॉइड फोन को भी चार्ज कर सकते हो, यहाँ तक कि एयरपॉड्स को भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन इसमें आप SSD वगैरह कनेक्ट नहीं कर सकते, कुछ एक एक्सेसरीज हैं जिनको आप कनेक्ट कर सकते हो जैसे कीबोर्ड वगैरह। तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए एडवांटेज हो जाता है जो कि मैकबुक आईपैड यूज करते हैं, अब आप सेम केबल से इन सब चीजों को चार्ज कर सकते हो, इवन एंड्रॉइड फोन को भी। तो चलो फाइनली बात करते हैं भाई, क्या आपको 14 प्लस से 15 प्लस में जाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम डिजाइन मिल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल डिजाइन मिल रहा है, जिसकी वजह से लाइटर फील होता है एंड थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है 14 प्लस के कंपैरिजन में। ये प्रो सीरीज वाला डायनामिक आइलैंड मिल रहा है, 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा अपग्रेड हो जाता है। और अगर यहाँ पे 120 हर्ट्ज होता तो इनका 15 प्रो मैक्स तो बिकने से रहा था। चिपसेट भी आपको एक जनरेशन आगे का मिल रहा है, बाकी इसकी बैटरीज वगैरह में आपको कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं मिल रहा है। कैमरा के मामले में काफी अच्छा अपग्रेड मिल रहा है, 48 मेगापिक्सल का लेंस मिल रहा है, 2x जूम करने का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि मेरे सबसे फोटोग्राफर्स के लिए काफी बड़ी बात हो जाती है। अगर आप 14 प्लस पहले से यूज कर रहे हो, 15 प्लस में जाने का सोच रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा भाई एक साल और रुक जाओ, नेक्स्ट ईयर का 16 प्लस देख लेना, उसमें हो सकता है 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आ जाए। और अगर आप इन दोनों फोन्स में से कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा लेना चाहिए, तब मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आईफोन 15 प्लस की तरफ जाओ, बिकॉज काफी अपग्रेडेड है ये एज कम्पेयर टू 14 प्लस। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक आपको लेटेस्ट लगेगा, बिकॉज ये जो नॉच है ये काफी पुरानी हो चुकी है मेरे हिसाब से। लेकिन फालतू का अपना बजट एक्सटेंड मत करो, अगर 60-65,000 का बजट है तो ये ले सकते हो, बिकॉज आपको बाहर से तो चेंजेस मिल रहे हैं लेकिन अंदर से दोनों फोन लगभग सेम ही है, सेम बैटरी, सेम गेमिंग एक्सपीरियंस, सिर्फ आउटर कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं 15 प्लस में। तो स्मार्टली बाय करो और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कौन सा खरीदने वाले हो। तो ये था आज का वीडियो, आई होप यू पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया तो बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि ऐसे और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं बताऊं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।